Very good morning to you all. Hope you all are fit and fine. So students, open your English book reader. So let's see कि आज हमें क्या पढ़ना है. Okay? ये है आपकी exercise from chapter 13. Let's play safe. तो आज हम चैप्टर 13 के क्वेश्चन और आंसर करेंगे. स्टूडेंट्स देखिए, आंसर दीज क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को आंसर कीजिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज रिटा क्राइंग. आंसर आपका ये रहा, रिटा गॉट वुंडेड दैट्स व्हाई शी वाज क्राइंग. रिटा जख्मी हो गई थी इसलिए वो रो रही थी. सेकेंड इज़ वाई डिड नॉट द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क. बच्चे पार्क में क्यों नहीं खेले. आपका आंसर ये रहा जहाँ पे टू लिखा हुआ है. सो द आंसर इज़ बिकॉज देयर वर ओल्डर चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क एंड दे वर नॉट अलाउइंग देम टू प्ले इन द पार्क. क्योंकि पार्क में बड़े बच्चे खेल रहे थे और वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो पार्क में खेलें. थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई इज़ अ पार्क सेफर फॉर प्लेइंग देन अ पार्किंग लॉट. पार्क में खेलना हमारे लिए क्यों सेफ है किसी पार्किंग लॉट में खेलने के बजाय. मतलब हमारा पार्क एरिया क्यों सेफ है. सो द आंसर इज़ यहाँ जहाँ पे थ्री लिखा हुआ है ये आपका आंसर है. बिकॉज देयर इज़ नो स्पीडिंग कार इन द पार्क. क्योंकि पार्क में कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती हैं. फोर्थ क्वेश्चन व्हेन शुड वन क्रॉस द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कब क्रॉस करना चाहिए. तो इसका आंसर ये रहा जहाँ पे फोर लिखा है. व्हेन द सिग्नल शोज अस अ ग्रीन लाइट. जब हमें सिग्नल ग्रीन लाइट शो करे तब हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करना चाहिए. एंड द लास्ट इज व्हाट हैड अंकित डन. वॉज ही राइट इन डूइंग सो. अंकित ने क्या किया था और जो उसने किया था क्या वो सही था. तो द आंसर आपका ये रहा जहाँ फाइव लिखा है. अंकित ऑफन पुट हिज आर्म आउट ऑफ द विंडो. अंकित कई दफ़ा अपना हाथ विंडो के बाहर कर लेता था. एंड इसमें देखिए दो क्वेश्चन है. वॉज ही राइट इन डूइंग सो. क्या वो सही करता था. तो इसका आंसर होगा नो. ये देखिए नो लिखा हुआ है. सो स्टूडेंट्स होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आई हो और आपको क्वेश्चन और आंसर समझ में आया हो. आप इसको अपनी फेयर कॉपी में फेयर कर लीजिएगा और उसके पिक्चर्स ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा जिसे मैं चेक करूँगी. ओके. सो स्टूडेंट्स टिल देन गुड बाय, बी सेफ एंड गुड लक.